नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार शहर में बढ़ते हुए सुअर और गंदगी की समस्या के लिए धार शहर के लोग लगातार नगर पालिका में जन सुनवाई में शिकायत कर रहे थे। इस पर आज धार शहर में सुअर को पकड़ने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के लिए नगर पालिका CMO व सिटी मजिस्ट्रेट दिव्या पटेल स्वयं पुलिस बल के साथ मौजूद रही। कई बार मौके पर विवाद की स्थिति बनी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। तो आप भी मदद करो और आपको सोर को ले जाओ जल्दी। नहीं, वो अच्छे से समझाने का टाइम चला गया। नहीं मैडम, अब नहीं होगा ना, आपको शिकायत ही नहीं आई थी। वो क्या ना, जितनी शिकायत आनी थी आ गई। आपको और कौन सी शिकायत का वेट करूँ मैं? मैडम मैंने कितनी गाड़ी पकड़ के देखो, नगर पालिका में बता दी सारी। क्या क्या बताया सारी जैसे भरा है आपको? फिर तुम अकेले कर लोगे? इतनी सारी टीम को काम नहीं कर पा रही हम लोग। मैडम क्या कर रही है? जैसे कि शहर में सुअर और गंदगी की समस्या काफ़ी समय बढ़ गई थी, तो बार बार शिकायतें आ रही थी। तो कई बार हमने ट्राई किया कि बाहर से जो पशु पकड़ने वाले महू से आते हैं, वो सुअर पकड़ के ले जाते हैं। दो तीन बार बुलाया, लेकिन चूंकि यहाँ के जो लोकल सुअर पालक हैं उनके द्वारा विरोध किया जाता है, जिससे उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। इस वजह से इस बार जब शिकायतें काफ़ी बढ़ गई, तो हमने एक प्लान बना के पूरा करने का सोचा। और मैंने अपने न्यायालय में 133 का प्रकरण दर्ज किया पब्लिक न्यूसेंस होने से। और इसके बाद हमने इनको नोटिस देकर अपने न्यायालय में समक्ष में उपस्थित कराया, तो इनके द्वारा कहा गया कि ये 15 दिन में अपना जो भी सुअर है वो हटा लेंगे, खुद से हटा लेंगे। तो हमने इनको 15 दिन का समय दिया, वापस 15 दिन हो गए। तो फिर इनके द्वारा ये कहा गया कि इनके परिवार में कोई जो भी है कुछ डेथ हो गई है, तो और उनको समय चाहिए, तो एक बार और समय दिया। लेकिन इसके बाद फिर दो दिन के दो बार समय दिया गया, लेकिन इनके द्वारा कोई भी अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हमने सुअर पकड़ने वालों को बुलाकर और इस बार स्ट्रिक्ट तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जितने भी सुअर है उसका अच्छे से सफाया कर सकें। और ये मुहिम आगे भी लगातार चलती रहेगी, जैसे कि पशुओं की भी समस्या है यहाँ पर, इसके बाद उस पर भी कार्रवाई करेंगे।